कि सलमान एक दुर्लभ और तकलीफदेह बीमारी का शिकार हैं, जिसका नाम ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है। यह नर्व डिसऑर्डर सबसे तकलीफदेह बीमारियों में से एक है। आइए जानते हैं क्या होती है यह गंभीर बीमारी। साल 2001 में सलमान ने फैंस को बताया था कि उनकी आवाज़ कभी कभी कर्कश हो जाती है। यह इसलिए नहीं होता क्योंकि वह नशे में हैं, बल्कि यह सब इस बीमारी की वजह से होता है। ट्यूबलाइट के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया नामक एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसे सुसाइडल डिजीज भी कहा जाता है। इसका शिकार व्यक्ति दर्द की वजह से आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है। सलमान ने बताया कि उन्हें भी इस बीमारी के कारण कई बार सुसाइड करने का विचार आया था। क्या है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक क्रॉनिक पेन कंडीशन है। शोध के अनुसार अस्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई एक रक्तवाहिका ट्राइजेमिनल नव पर दबाव डालती है, जिससे नव में एक शॉर्ट सर्किट जैसा होता है, जिसकी वजह से रोगी को दर्द का एहसास होता है। ये दर्द और जलन कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट तक हो सकता है। कई बार चेहरे के दोनों तरफ एक साथ या अलग अलग भी दर्द होता है। कितने तरह का होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया 2 तरह का होता है। पहला टाइप 1 या T1 और दूसरा टाइप 2 या T2 होता है। T1 में थोड़ी थोड़ी देर में अचानक तेज दर्द और जलन होने लगती है, जबकि T2 में लगातार दर्द, जलन और चुभन का एहसास बना रहता है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होने के कारण, किसी ब्लड वेसल द्वारा ट्राइजेमिनल नव के दब जाने के कारण, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी के कारण, आर्टरीज में किसी ट्यूमर की वजह से या किसी इंजरी, सर्जरी, स्ट्रोक की वजह से भी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो सकता है। किन लोगों को है ज्यादा खतरा? वैसे तो यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 50 सेकंड ज्यादा की उम्र वाले लोगों को इस बीमारी के होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। यह बीमारी पुरुषों के बजाय या महिलाओं में होने के ज्यादा चांस होते हैं।